नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। आज 6 अक्टूबर 2020 को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज वायरोलॉजी लैब अन्य लैबों से और एंटीजन टेस्टिंग रिपोर्ट जो अभी तक प्राप्त हुई है, इसमें सागर से 16 लोगों की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा 2 लोग जिनका इलाज चल रहा था ये स्वस्थ होकर और डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। इसके अलावा 1 व्यक्ति जो वृद्ध थे, इनकी तबीयत थोड़ी सी सीरियस थी, इनकी आज मृत्यु की खबर है। तो जो पॉजिटिव आए हैं वो डिटेल में आपको बता देता हूँ संक्षिप्त में। पहले जो हैं 48 वर्षीय पुरुष एवं दूसरे 26 वर्षीय पुरुष, दोनों सागर कैंट से हैं। इसके अलावा तीसरे 71 वर्षीय पुरुष रहली से। इसके बाद चौथे जो हैं 12 वर्षीय बालक इतवारी टोली सागर। पाँचवें जो हैं 39 वर्षीय पुरुष सागर कैंट। इसके बाद छठवें 27 वर्षीय पुरुष पुरई से। सातवें जो हैं 35 वर्षीय पुरुष बाहुबली कॉलोनी। आठवें जो हैं 32 वर्षीय पुरुष इतवारी टोली। इसके बाद 54 वर्षीय महिला नरियावली नाका। इसके बाद 62 वर्षीय पुरुष पुरई। 11वें जो हैं 60 वर्षीय पुरुष रैली। इसके बाद 12वें 55 वर्षीय महिला गोपालगंज। 13वें जो हैं 40 वर्षीय पुरुष विशा मोहल्ला सागर। इसके बाद 14वें जो हैं 62 वर्षीय पुरुष सद्भावना नगर मकरोनिया। 15वें जो हैं 49 वर्षीय पुरुष तिरुपतिपुरम। और आखिर में जो 16वें हैं 30 वर्षीय पुरुष बक्सवाहा वार्ड सागर। तो आज का यही अपडेट है, सावधानी बनाए रखें।